अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम खैरियत से, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है मूंग की दाल की खिचड़ी। हरी वाली मूंग की दाल है ये, और ये राइस है। ये वाले हमने 2 कप मूंग की दाल ली है, 2 कप हमने चावल लिए हैं। और अगर आप मुट्ठी के हिसाब से देखें तो 2 मुट्ठी दाल है, 2 मुट्ठी चावल है। और कप के हिसाब से देखें तो 1 कप से कम चावल है और 1 कप से कम दाल है। वैसे ये वाला अगर इसको लेंगे तो आप 2 कप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितने चावल लेंगे इतनी ही दाल बराबर की। इनको लेकर हमने दाल चावल को वॉश कर लिया है, ये देखें। और इसमें 1 कप के करीब पानी डाला है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 2 लौंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, चुटकी भर हम सौंफ डालेंगे, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे, और 8-10 के करीब 1/2 चम्मच हम काली मिर्ची डालेंगे। हमारे पास कलरफुल है, आप चाहें तो खाली काली मिर्ची ले सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने घी लिया है, ये वाला 1 1/2 स्पून हमने असली घी लिया है। आप तेल में भी बना सकते हैं। और इसको हमने रख दिया गर्म होने के लिए, इसमें डाल दिया। 4 हरी मिर्चें हैं, 1 स्पून लहसुन है, 1 स्पून अदरक है, मतलब 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1/2 चम्मच नमक है, आप हसब जायका ले सकते हैं जितना आपको डालना है, 1/2 प्याज है, अनियन, और 4 हरी मिर्चें हैं। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। ये हमने घी गर्म होने के लिए रखा था, गर्म हो गया है घी। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 1 इलायची, 1/2 दालचीनी डालेंगे, थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्ची डालेंगे, और फिर हम डालेंगे इसमें अनियन। घी हमारा गर्म हो गया है। फिर हमने लौंग डाल दिए, 1 स्पून इसमें हम जीरा डाल लें, हमें थोड़ा अच्छा लगता है तो हम थोड़ा सा और डाल दिए। आप ये वाला 1 स्पून जीरा डाल सकते हैं, सफ़ेद वाला, अगर वो ना हो तो फिर काला डाल दें, वरना सफ़ेद कर लें। ये देखिए हमारा ये पिंक पिंक सा होने लगा, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। अच्छा, पानी जो है हमने ऐसे डाला है आइडिया से, लेकिन आप चाहें तो ये वाला कप जो है 1 1/2 कप डाल सकते हैं, ये वाला 1 1/2 कप। अब ऐसा आइडिया से देखें पानी इतना है चावल को छोड़ कर। इसलिए प्याज को सर्व भी कर लेते हैं, हमें ऐसी अच्छी लगती है। ऊपर से जब हम बॉयल करके खिचड़ी बनाते हैं, बॉयल वाली दिखाएंगे आपको, तो उसका हम उसको प्याज करके डालते हैं। ये अब इसमें हम डाल दें, चावल अगर आपको कम लगे और डाल दीजिएगा। ये हमने चढ़ा दिए, वो सॉरी चावल कह रहे हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा, सॉरी मैंने चावल कह दिया, लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। देखिए इसमें खटकी आ गई है, 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक पानी खुश नहीं हो जाता तेज आंच पे, फिर बीच में मीडियम कर देंगे, पानी कम होने लगेगा, और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। अभी ये पक रहा है, देखिए इसको अभी 8 मिनट हुए हैं पकते हुए, तो ये देखें पानी इसका खुश हो रहा है, अभी है थोड़ा सा, अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी 10 से 15 मिनट। ये देखिए चावल जब ऐसे हो जाए, दूध पनीर टूटने लगे, ये तो फिर इसको दम पे लगा देते हैं। तो पानी इसमें हल्का हल्का सा है, उसको हम दम पे लगा दें 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जब चावल दम पे कवर कर
और बस बिल्कुल जीरो पे रख देंगे इसको। आप चाहे तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट बाद देखिए नाजर हमारी खिचड़ी बन गई है। 10 मिनट हो गए इसको, हम चूल्हा बंद कर रहे हैं इसलिए आवाज आ गई। बिल्कुल खरे निकाल रेडी हो गई है। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मूंग की दाल की खिचड़ी रेडी है, एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज़।